जालौन मेट्रो से मेरश्मी पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर, तनख्वाह न मिलने पर नगरपालिका परिसर में आउटसोर्सिंग, सफाई कर्मियों ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पहले रस्सी से किया फांसी लगाने का प्रयास, फिर रेलिंग में पटका सर। रेलिंग में सर पटकते आउटसोर्सिंग सफाईकर्मी का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आउटसोर्सिंग सफाईकर्मी को लिया हिरासत में। कालपी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कालपी नगरपालिका परिसर का यह मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तनख्वाह न मिलने पर नगरपालिका परिसर में आउटसोर्सिंग सफाईकर्मियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पहले रस्सी से फांसी लगाने का प्रयास किया और फिर रेलिंग पर सरपटका, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आउटसोर्सिंग सफाईकर्मी को हिरासत में लिया गया। कालपी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कालपी नगरपालिका परिसर का यह मामला बताया जा रहा है। इस समय देवेश स्वर्णकार जी फोन लाइन पर है। जी देवेश जी, क्या मामला है? हमारे कालपी संवाददाता यानी हमारे सहयोगी प्रशांत शुक्ला ने हमें जो जानकारी भेजी है उसके मुताबिक कालपी नगरपालिका परिषद में कुछ आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी लगे हुए हैं और जिनका एक अनुबंध के तहत नगर पालिका उसमें वो लगे हुए थे और उनको जिस ठेकेदार के माध्यम से लगे थे या जिस कंपनी के थ्रू ये लगे थे, उनका अनुबंध जो है समय पूर्ण होने के बाद उनको निकाल दिया गया था। इसी चीज़ को का विरोध जो है पिछले कई दिनों से चल रहा था। इसको लेकर उन्होंने पूर्ण समाधान दिवस में वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को भी एक पत्र दिया था और उसके बाद से लगातार ये स्थिति हो रही थी कि आए दिन जो है किसी न किसी बात को लेकर वहाँ पर झगड़े की नौबत आ रही थी। तो आज भी सुबह सुबह कुछ जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो पहुँचे हैं और वहाँ पर एक कर्मचारी जो मौता शराब के नशे में धुत बताया जा रहा था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वहाँ के जो स्थानीय सूत्र हैं वो बताते हैं कि संभवतः वो शराब के नशे में धुत था, लेकिन उसका कहना ये था कि वो अब किसी भी स्थिति में जीने की चाह ख़त्म कर चुका है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। जब उसका नौकरी उसके पास नहीं होगी तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, इसलिए उसके पास अब मरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इसलिए वो रस्सी साथ में लेके गया था कि फांसी लगाएंगे, लेकिन जब वहाँ कुछ मौजूद कर्मचारी उसको रोका तो उसके बाद उसने जो नगरपालिका के अंदर जो रेलिंग लगी हुई है, लोहे की ग्रिल लगी हुई है, उस ग्रिल पे अपना सर दे मारा और उस पर वो थोड़ा सा चोटाहल हो गया। फिलहाल उसको तुरंत जो है उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर ये आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी अब बेचारे अपना सब कुछ करने के बाद अपनी सेवाएं देते हैं और सेवाओं के बाद जब उनका अनुबंध आगे रिन्यूअल नहीं होता है तब उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सरकार को भी एक नियम मेरे हिसाब से बनाना चाहिए कि जो अनुबंध के तहत जो कर्मचारी लगते हैं इन कर्मचारियों को भले ही दूसरी कंपनी से अनुबंध हो लेकिन इन कर्मचारियों को प्राथमिकता जरूर दी जानी। नमस्कार, मैं तहसील संवाददाता जालौन मेट्रो प्रशांत शुक्ला। आज हम आए हुए हैं कालपी नगर के नगर पालिका परिसर और हम आपको यहाँ बता दें आउटसोर्सिंग से जितने भी यहाँ पे संविदा कर्मचारी लगाए हुए थे आउटसोर्सिंग के माध्यम के द्वारा उनको बिना किसी कारण हटा दिया गया है। आइए देखते हैं उनके आरोप क्या है पूरा मसला। आप लोग यहाँ सारे नगर पालिका के जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे यहाँ पे किस बात का धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? आपका नाम? हमारा नाम सर डगरू है। डगरू, डगरू जी कितने सालों से आप काम सेवा दे रहे हैं नगर पालिका? कम से कम एक साल हो गया सर। और भी कई लोग यहाँ पे कितने लगभग कितने लोग हटा दिए गए हैं? यहाँ पे हटा दिए करीबन 15-20 लोग। 15-20 लोग यहाँ पे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हटा दिए गए। किस ठेकेदार के द्वारा लगाए गए थे? अब सर ये ठेकेदार तो बता नहीं सकते सर, हमको तो नगर पालिका के द्वारा लगाया गया। आउटसोर्सिंग में थे आप जी, तो आप लोगों का किस पे आरोप है? नगर पालिका प्रशासन के किस पे आरोप लगा रहे हैं? किन्होंने हटाया आप? बस हमको तो आरोप यही है कि नगर पालिका के द्वारा लगे थे नगर पालिका और बेफालतू में हटा दिया, ना ही हमारे लोग कोई गलती ना कोई। जी जी आप बताइए किसने हटा दिया आप लोग? किसने हटाया आपको? ईओ साहब ने। इनका ये आरोप है कि इनको ईओ साहब ने हटाया नगर पालिका का। ये राजू जी आप कितने सालों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? ये करोड़ ड्यूटी करते करोड़ मिल हुए तो 15 दिन हो रहे हैं। आपकी आजीविका इसी से चल रही थी? आपकी आपका जीवन यापन इसी से चल रहा था जो आप नौकरी कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? आपके वहाँ 5 बच्चे हैं। राजू जी का आरोप है इनके 5 बच्चे हैं, इनकी कई 15 सालों से ये सेवा दे रहे थे और इनकी आजीविका इनका जीवन यापन इसी नौकरी से हो रहा था। पूछ रहा है ये पूरा आउटसोर्सिंग का परिवार कि अब इनका जीवन यापन क्या हो। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।